देखिए बड़ी खबर गाजीपुर से जुड़ी हुई आ रही है। NH24 को बंद कर दिया गया है, यानी कि NH24 के जरिए आना और जाना दोनों फिलहाल बंद हो गया है। इस आंदोलन को देखते हुए ये फैसला लिया गया है, यानी कि अब NH24 में आपको गाड़ियां फर्राटा भट्टी नजर नहीं आएंगी। हालांकि NH24 में आपका जितनी भी गाड़ियां, इससे पहले हमने देखा है कि एक लेन तो चालू थी, लेकिन एक लेन पूरी तरीके से बंद थी, सिर्फ किसानों के ट्रैक्टर ही नजर आते थे। लेकिन अब इस लेन को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया ताकि यहाँ पर आना जाना दोनों बंद हो। ऐसा इसलिए किया गया कि लोगों के साथ कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, क्योंकि जिस तरीके से आंदोलन ने उग्र रूप लिया था उसके बाद एहतियातन कदम उठाए गए। बिल्कुल, तो NH हाईवे बंद कर दिया गया है। सिंगू बॉर्डर का हम रुख कर लेते हैं। हितेन के पास भी एक बड़ी खबर है। हितेन, क्या कुछ बड़ी खबर? देखिए बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने आज फिर एक बार कहा कि प्रस्ताव दरवाजे खुले, आप आइए, एक फोन कॉल से पूरे मामले का समाधान हो सकता है। तो वही अब कानून भी जो है कानून का काम करता नजर आ रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 31 जनवरी रात 11 बजे तक सिंगू किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 31 जनवरी रात 11 बजे तक ये इंटरनेट सेवा बंद करने का फैसला लिया है। उनके आसपास के सभी इलाकों पर भी जो है इंटरनेट सेवा जो है अस्थायी रूप से बंद करने का ये फैसला लिया है केंद्रीय गृह मंत्रालय ने। कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है ये कल जिस तरह से हिंसा हुई थी, खासकर अगर बात करें सिंगू बॉर्डर पर, तमाम जो लोकल्स थे वहां के वो आ चुके थे और उनका कहना था कि आप बॉर्डर खाली कीजिए, और जिस तरह से अब तक 44 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। देखिए SHO जो अलीपुर है उन पर जानलेवा हमला किया गया, उस शख्स को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, साथ में अब तक 44 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। और कल जिस तरह से माहौल खराब करने की कोशिश की गई, संघर्ष की एक स्थिति देखने को मिली, इसी एहतियातन तौर पर इसी के मद्देनजर ये एक फैसला सरकार की ओर से लिया गया है कि 31 जनवरी के रात 11 बजे तक ये बंद रहेगी। और सोशल मीडिया के माध्यम से देखा, 26 जनवरी के दिन भी जो कुछ हुआ दिल्ली में वो सिर्फ सोशल मीडिया के एक मैसेज और इनके जो ट्विटर अकाउंट बने हुए उसी से पूरा उपद्रव जो है वो फैलाया गया है। हालांकि पूरे मुद्दे पर चर्चा जारी रहेगी, रुकते हैं फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए। और अब बारी है देखो जी हिंदुस्तान जीतो इनाम की। हमारा आज का सवाल है, भारत में सबसे पहले कहां सूर्य उगता है? नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम? जवाब देने के लिए जी हिंदुस्तान ऐप डाउनलोड करिए, देखो जी हिंदुस्तान जीतो इनाम का बटन दबाइए, सही जवाब दीजिए और LED TV जीतने का मौका पाइए। आप अपने जवाब हमें रात 12 बजे तक ही भेज सकते हैं। आज के विजेता का ऐलान कल रात 8 बजे वंदे मातरम शो में किया जाएगा।